देखिए अशोक से जो जो मिलने आता है ना उसकी अच्छे से चेकिंग की जाए, ट्यूबलाइट, पंखे, सलाखे, टॉयलेट सब कुछ अच्छे से चेक होना चाहिए, क्योंकि ये शराबी शराब के लिए कुछ भी कर सकता है। करिश्मा जी आप खामखा वक्त जाया कर रही है, शराबी जिंदगी में कभी शराब नहीं छोड़ सकता, बुरी आदतें कहाँ छूटती है भाई। हमारे लल्ला को ही देख लीजिए ना, हमारे लल्ला ने कहाँ ही नहीं छोड़ा। कटाक्ष। करिश्मा सिंह। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। ये इकबाल और बदनाम कहाँ गए? देखो ऐसा है कि जब तक ये केस चल रहा है ना, तुम लोग मैडम सिंह की नजरों से हो जाओ फुर। हम उनको बोल देंगे तुम अपना ये टूटा हाथ और अपना जलील सा चेहरा लेके यहाँ से भाग गए हो। नहीं, हमको भी नहीं मालूम कहाँ चले गए। हमने भी बहुत ढूंढा लेकिन हमको नहीं पता कहाँ चले गए। अच्छा, कहीं आपने तो उन्हें गायब नहीं कर दिया? खब बात कर रही है मैडम सर आप, हम कोई जादूगर थोड़ी ना है कि दोनों पे रुमाल रखेंगे और दोनों गायब हो जाएंगे। हमको नहीं मालूम कहाँ गए। करिश्मा सिंह बात समझिए, अशोक शराब तभी छोड़ेगा जब ये बात उसके अंदर से आएगी और जिसके लिए काउंसलिंग सिर्फ एक ऑप्शन है। आप क्यों अपने तरीके से कोशिश करने पर अड़ी हुई हैं? मैडम सर आप कैसे बच्चों जैसे जिद कर रही हैं अपना बात साबित करने के लिए। हमने जो कुछ भी किया है कानून के दायरे में रह के किया है और हमको नहीं मालूम ये बदनाम इकबाल कहाँ फूर हो गए, हमको कहाँ पता। क्या बात कर रही है मैडम, तो आप कहें तो लापता गुमशुदा केंद्र में खबर करते हैं, वो लोग पता लगाएंगे। हाँ, और मैं आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन है ना हर जगह उनकी फोटो और डिटेल्स भेज देती हूँ ताकि किसी को कुछ भी पता चलेगा तो हमें सीधा इन्फॉर्म कर देगा। बिल्कुल सही चीता और संतु, तुम दोनों जल्द से जल्द ये करो। अब क्या है, भले कैसे ही चाय बनाए बदनाम है तो अपना ही ना, ढूंढना चाहिए दोनों को। क्या ढूंढना चाहिए, आप जूनियर, आपके सामने सीनियर खड़ी, आपको क्या लगता है ये सब इन्होंने नहीं किया? सब किया है फिर भी हाथ कुछ नहीं आया है। हाँ हम सब कर चुके हैं लेकिन पता नहीं कहाँ भाग गए ये बदनाम और इकबाल। वो गांव गए हैं। हैं? यूं किसी से मिल गई है, यूं किसी से मिल गई है, ये निगाहें चलते चलते यूं किसी से मिल गए। हम बदनाम जी की मशहूर धर्म पत्नी है, हमारा नाम है डिम्पल और हम नेचर से बिल्कुल सिंपल। वो कहा ना बदनाम जी गांव गए होंगे कौनो काम से, उनका दुकान भी तो देखना है चाय का, तो हम आ गए हैं इधर। अच्छा किया भाभी जी, करे यू संभाल रही है दुकान तो अच्छा है ना। हम खाली नेचर से सिंपल है, हम चाय एकदम कड़क बनाते हैं। वैसे आप लोग बिजी हैं तो बाद में चाय पी लीजिएगा, हम रख देते हैं, ठीक है? कड़क हे का कड़क रे चाय, वो बोली ना भाभी जी चाय कड़क बनाती है। करिश्मा सिंह जी, आप जो करना चाहती हैं आप करिए, लेकिन एक चीज याद रखिए कि आप सब कुछ कानून के दायरे में रह के करेंगी और ऐसा कुछ नहीं करेंगी जिससे महिला पुलिस थाना बदनाम हो जाए, ठीक है? जी। देख सिंपल डिंपल डिंपल, अरे तू जो भी है देख डिंपल, अरे जो शराबी है ना अशोक अशोक अशोक, हाँ वही ये कैरेक्टर तू, और जो शराबी ना अशोक, अरे उसका मैटर जब तक सुलट ना जाए तब तक तुझे तेरी दुकान और मेरी दुकान दोनों संभालना है, अरे वरना हम रोड पे आ जाएंगे। कोई शक और सुन, काम जो है सही ढंग से करना है। सच में तेरी बीवी नहीं समझा, ऑर्डर मत दे। अरे तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, ले ले तू बन बन बीवी बन ले चाचा। हे हे भैया भैया, अरे हम मजाक कर रहे, मजाक जस्ट चील 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 तुम करो, ठीक है? जितना तुम बदनाम बन के नहीं कमाओ ना उससे ज्यादा हम डिंपल बन के कमाएंगे। अरे लेकिन कैसे? सुन सुन, वैसे जैसे हम औरत बने ना अभी, और औरत इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, कुछ भी करा सकती है। तुझे अच्छी भी अभी तुझे डेमो दिखाता हूँ, फालतू आदमी। भाभी जी कड़क चाय पिला दीजिए। पी लीजिए।
आप ही बिल्लू जी हैं? हाँ हाँ हम ही बिल्लू जी है, बिल्लू द स्पाई। आपको कैसे पता चला भाभी जी? अरे बदनाम जी, आपके बारे में इतना तारीफ करते रहते हैं, दिन भर बस आपका तारीफ करते हैं। बोलते हैं जब बिल्लू जी अपना पीला पीला दांत से हंसते हैं ना, तो ना जाने कितने लड़की लोग का हार्ट फेल हो जाता है। मतलब आपका स्माइल बहुत दिलकश है। भाभी जी, अब अपने ही मुंह से मुंह मिठू मियाँ कैसे बने भाभी जी। लेकिन आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो दिन रात मत देखो, टाइम मत देखो, मुझे आवाज दे दो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। मेरा दिल बहुत बड़ा है भाभी जी। बदनाम जी, आपके बारे में जितना बताए थे ना, आप उससे भी अच्छे निकले। मैं आपको कहा बताया, इतना असमंजस की स्थिति में बदनाम जी तो गाँव चले गए दुकान उनको देख के। हमको बताने में सर हमारे इतना फालतू आदमी, जब देखो मिमिक्री करता रहता है। खामोश खामोश, पैसा रुपया नहीं, हम दुकान कैसे चलाएं, हमको तो बताने में भी शर्म आ रहा है। भाभी जी, भाभी जी, आंसू नहीं, आंसू नहीं, इतने सुंदर चेहरे पे आंसू बहुत ही भद्दे दिखेंगे। भाभी जी मुझे बताओ, कितने पैसे चाहिए आपको? 10,000 रुपया। ठीक है, हो जाएगा जुगाड़, आज शाम तक आपको पैसे मिल जाएंगे। अब कितना फालतू आदमी है, अरे मतलब कितना अच्छा आदमी। हम कसम खा के बोले, अगर हमारा बदनाम जी से ब्याह नहीं हुआ होता ना, तो हम आपका उजड़ा चमन चूम लेते, मतलब आपका माथा चूम लेते। अच्छा, तो अभी बदनाम भाई है नहीं तो चूम लूं। भाभी शर्मा गई। भाभी जी आपका काम हो जाएगा और उसके बाद मेरा भी। इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की है, लेकिन इस थाने की पुलिस ने मुझे तुझसे ना मिलाने की साजिश की है। अरे कोई मुझे मेरी महबूबा से मिलवा दो। शराब के लिए तो मुझे अगर अपनी छठी दुकान भी बेचनी पड़े तो भी बेच दूंगा। अरे मेरी महबूबा, मेरी शराब, मेरी रसपरी, कहाँ हो तुम? भाईसाहब, इधर बैठो, बैठो, बैठो। तुम्हें शराब की बहुत जरूरत है ना? बहुत ज्यादा। अगर मैंने आपकी शराब का जुगाड़ कर दिया तो आपकी एक दुकान मेरे नाम कर दूंगी। शराबी हूँ, बेवकूफ नहीं। ठीक है, ये डील कैंसल। मैं आपको आपकी शराब दे देता हूँ, कितने की चाहिए? 100-200 की, उतने आप मुझे पैसे दे दो। और मेरा कमीशन दे दीजिए, बस 10,000। बस सिर्फ 10,000? हाँ, सिर्फ 10,000। अरे दारू के लिए तो हम 10,000 तुम जैसों के मुंह पे मार दे। तो मार दो पहले दारू। ठीक है, एक हाथ से दे एक हाथ से ले। हाँ तो ठीक है, फिर पैसे लिखो, यहाँ से तुम्हें नंबर मिल जाएगा। है? नंबर लिखो, यहाँ से यार तुमको पैसे मिल जाएंगे। क्या है ना, जब हम होश में रहते हैं तो होश में नहीं रहते हैं। ओके, कल से मैं आपका शराब का सप्लायर। करिश्मा सिंह, हमने वो फाइल। जी जी, यही फाइल है मैडम सर। बिल्कुल। ए बिल्ला, का ये का लेके जा रहे हो? ओ संतरा, संतरी, ये देखो संतरी। संतरे आपने मंगवाए थे ना कल, आपने वो नंबर दिया था ना फ्रूट वाले का, उसी से आए संतरे? संतरे, अरे होश में हो ना तो कुछ याद नहीं रहता। अरे हाँ मैडम, हम ही ने संतरे मंगवाए थे, आपने बोला ना दारू छोड़ने के लिए, इसलिए हम फ्रूट डाइट पे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लगा हमको ये सुनकर कि तुम अपने सेहत का ध्यान रख रहे हो, संतरा खा रहे हो। खाओ खाओ खाओ। अरे संतरा तो लाए, चखना। चखना चखना आपको चखना है संतरा? आपको संतरा चखना है?
आपको खाना है तो खा लीजिए। नहीं, जाओ जाओ, तुम खाओ। थैंक यू मैडम। करिश्मा सिंह जी, गुड प्रोग्रेस। जी बिल्लू जी, आज से हम आपके खास दोस्त हैं। आपको जिंदगी में कभी भी कोई दिक्कत परेशानी होगा ना, तो सीधा देवी माँ का ध्यान कीजिएगा, आपको सब परेशानी से छुटकारा हो जाएगा। और हमको कोई दिक्कत होगा ना तो हम आपकी याद करेंगे, ठीक है? थैंक यू डिंपल भाभी। तो आज डीएसपी सर आने वाले हैं राउंड के लिए, प्लीज आप सब तैयार रहिए एंड मेक श्योर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? यस मैडम सर। गुड। करिश्मा सिंह, आई मस्ट से हमें अशोक में काफी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, बहुत से पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख रहे हैं। इनफैक्ट वो शराब के लिए इतना शोर शराबा भी नहीं मचा रहा, आई एम इम्प्रेस्ड। वो तो होना ही था ना मैडम सर, क्या हम जो ठान लेते हैं वो हम करके रहते हैं। हाँ, ये बात ये बिल्कुल सही कह रही है, इन्होंने हमारे लल्ला के लिए भी यही कहा था, अब देखिए ना शादी करके ही छोड़ा। वैसे एक दिल की बात कहूँ मैडम सर, बिल्लू डेली ऐसे संतरे लेकर आता है, बहुत दिल करता खाने का। संतरू जी, संतू जी, बिल्कुल आप हमारे मुंह का बात छीन ली हैं। नहीं, मुंह का बात छीनने से कुछ नहीं होता है ना, संतरा छीनो। ए बिल्ला। हाँ मैडम। ये का है बिल्ला? संतरे हैं। हाँ तो लाओ संतरा हमको दो, आज हम पुलिस वाले संतरा पार्टी करेंगे, लाओ। बाबू दे। नहीं ये है, आप नहीं खा सकते, ये खास अशोक जी के लिए है संतरे। ये वाला खास हम खा लेते, तुम दूसरा खास बाद में लेना, ला दो तुम। नहीं, ये उनका टाइमिंग है ना संतरा खाने का, आपके लिए मैं अलग से मंगवाता हूँ ना। अम्मा क्या दवाई है, क्या टाइमिंग होती है? हाँ दवा दारू ही है ना। का दारू? नहीं, दारू के लिए ही दवा है तो टाइम पे देना चाहिए ना। देखो ज्यादा ना दिमाग का हिंट मत करो, समझ गए, लाओ संतरा दो हमको। खट्टे है और ऊपर से खट्टे है। हाँ हमारा खट्टा खाने का मन कर रहा है सुबह से। हैं? क्या? नहीं पुष्पा जी, नॉर्मल लाइफ में लोग खट्टा नहीं खाते हैं क्या, मतलब ऐसे ही? नहीं नहीं, मगर शादी के बाद खट्टा खाने का मन करता है तो मत। नहीं हमारा ऐसे ही मन कर रहा है पुष्पा जी, ऐसे ही खट्टा खाने का मन कर रहा है, हम ऐसे ही खाएंगे। तो प्लीज जितने संतरे लेने हैं ले लो। अरे पहले मैडम सर को तो लेने दो। प्लीज मैडम सर, लीजिए लीजिए। थैंक यू। पुष्पा जी हमारे लिए भी निकाल लीजिए। अच्छा हाँ ठीक है, एक मिनट मैडम। हाँ संतु लो, लीजिए संतु। अरे बस उनके लिए भी रखो। अरे बिल्ले को दूँ ना। बिल्ला ये लो, तुम भी खाओ और जाके अपने दोस्त को खिलाओ, जाओ। थैंक यू, देखता हूँ ठीक से रहो। लाओ संतु दो हमारे। ये लो आपका आज आधा ही कोटा है, हम क्योंकि आधा कोटा तो इन लोगों ने ही ले लिया। अरे कोई बात नहीं, हमारे राज में ऐश करने दो सबको। आज तक इतने संतरे खाए मगर ऐसा मीठा, इतना अच्छा संतरा कभी नहीं खाया। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। चीयर्स। जाम से जाम टकराएंगे। हाँ हाँ चीयर्स। संतरे खा के बैठ गए। मैम पुष्पा जी, आप बात ऐसा करती हैं जैसे आप उनको छप्पन वो खिलाती हैं घर पर। हाँ हमारा लल्ला जो कुछ भी खा रहा है ना वो हमारी बदौलत खा रहा है, वरना एक आप है उसको खिलाने के बजाय भेजा का लल्ला खाती है आप।
हाँ? लल्ला का भेजा खाती है आप? मैडम सर हमको टाइम दे तो हम कुछ करें ना अपनी जिंदगी में, ना हमको अपने तरीके से केस सॉल्व करने देती है, ना हमको टाइम देती है कि हम लल्ला के साथ रोमांटिक डिनर पे जाए, हम कुछ करें, टाइम ही नहीं देती ना हमको। हमारे लल्ला के तो भागे फूट गए। शादी से पहले लगा था सीधी सादी भोली वाली लड़की है, मगर सामने आ गई शेरनी। हम परेशान हैं इनसे। एक मिनट, अरे भाई कब तक आप लोग ऐसे बहस करते रहेगा? कभी तो मारपीट कीजिए ना आप लोग। करिश्मा मैडम, कभी तो बंदूक का इस्तेमाल कीजिए, मार दीजिए गोली। करो। अरे संतोष जी, एक और सपना है हमारा, जानती है क्या सपना है हमारा? हमारा सपना ना कि हम सनी चड्डा को ना गोली मार दें, उसके बाद भले हम फांसी चढ़ जाए। संतोष जी, गोली तो मैं मारूंगी अपने कारपेंटर को। 3 महीने से दरवाजा नहीं ठीक कर पाया, कुछ 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 कर रहा है मेरा दरवाजा। जल परे, माफ कर दो। धोखा हुआ है हमारे साथ। धोखा? नहीं मैडम सर, अभी तो हम दोनों लोग के बीच में कुछ हुआ ही नहीं, तो धोखा कैसे देंगे? धोखा तो हमारे साथ हुआ है और हमारे लल्ला के साथ हुआ है। हमको लगा था सीधी सारी लड़की है, मगर निकली शेर भी। हमारे साथ धोखा हुआ है। एक मिनट, मैडम सर के साथ धोखा हुआ? मैडम सर भी तुम दोनों भाई बहन धोखेबाज हो। पुष्पा जी, दोनों धोखेबाज हो। करिश्मा सिंह, धोखा तो मेरे कारपेंटर ने दिया मुझे। अरे कारपेंटर छोड़ो यार, हमारी अम्मी अलमारी रिपेयर करती है। अम्मी शादी कराना चाहती है संतू कारपेंटर से। जज्बात, आप जज्बात छोड़ दीजिए। मैडम सर पति आ जाए, बता आप पति छोड़ दीजिए, जज्बात आ जाएगा। जी लो ये लम्हा बीत जाएगा। पता नहीं था चखने के बिना भी दारू का इतना मजा आएगा। आशा करते हैं कि आपका सबका सुरूर उतर गया होगा। हसीना मलिक, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप इस थाने की SHO हैं, आपको इस थाने का संचालन करना चाहिए था, किंतु आप स्वयं नशे में लिप्त थी। आपके थाने के सारे पुलिस वाले शराब पीकर पड़े थे। क्या आप कष्ट करके हमें यह समझाएंगी? माफ कीजिए सर, हम में से किसी को भी पता नहीं था कि उत्तर मांगा है हमने आपसे। हसीना मलिक, आप बहाने बना रही हैं। इस प्रकार से चलाते हैं थाना? ये थाना है या नशेड़ियों का अड्डा? अब क्या पुलिस ने शराबियों की शराब छुड़वाने का ठेका ले रखा है? सर वो मैडम सर का कोई गलती नहीं है, हमने अशोक को अंदर डाला था। आपको जो कहना है आप वो हमसे कह दीजिए। आप SHO हैं? हमारा सवाल सिर्फ SHO से है, क्योंकि वही इसके लिए उत्तरदायी है। हमारी ये चेतावनी है हसीना मलिक, अगर दोबारा आपसे ऐसी गलती हुई तो आपका स्थानांतरण कर दिया जाएगा।
बहुत शर्मिंदा है मैडम सर, हमारी जिद की वजह से डीएसपी सर ने आपको इतना कुछ सुना दिया, माफ कर दीजिए हमें। इट्स ओके करिश्मा सिंह, वो हमारे सीनियर है, हमें गलती होने पर डांट सकते हैं। और रही बात उस अशोक की, तो आप अपने तरीके से ट्राई कर चुकी हैं, अब हम अपने तरीके से उसकी शराब की लत छुड़वाएंगे। एक बात समझ भी नहीं आ रही भाई, करिश्मा मैडम ने फिर से हमको क्यों बुलाया? हाँ, क्योंकि करिश्मा मैडम एंड हसीना मैडम के बीच में विवाद था, वो शराबी अशोक को लेकर, लेकिन अभी सुलझ गया है, अभी ये केस मैडम सर ये हैंडल करेगी और सॉल्व करेगी। इसीलिए लग रहा है पीने का बंदोबस्त कर रहा है। बिल्कुल सही बोले। ए बिल्ले, कुछ है खाने में? मैडम सर, सारी तैयारियां हो चुकी है, चलो पार्टी शुरू करते हैं। बिल्कुल करिश्मा सिंह, एक काम करिए, शुरुआत आज हम दो पैक से करेंगे, फिर देखते हैं गाड़ी कहाँ जाती है। नहीं चलिए, आज तो हम जम के पिएंगे। चलो भाई चलो, अपना काम नहीं है, निकलते हैं, इट्स देयर पार्टी टाइम। चलो चलो चलो। करिश्मा सिंह आप जल्दी से पैक बनाइए, और हमारे पास चकने में पीनट्स और चीज है ना? हाँ हाँ है ना, बहुत बड़ी। अरे कहाँ लेके जा रहे हो हमको भाई? अरे बाबू तुम्हारा किस्मत बहुत अच्छा है, मैडम सर तुमको रिहा कर दी है और रिहाई की खुशी में पार्टी भी दी है, ये देखो। अरे मैडम सर, पूरे हिंदुस्तान में ना आपके जैसी कर्मठ पुलिस वाली कहीं नहीं है, आपके होते हुए ना देश में भूखा भली कोई मर जाए लेकिन प्यासा नहीं मर सकता। हमको तो ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने बिछड़े हुए बच्चे से मिल रहे हैं। क्या बात है, इसी बात पर अशोक आओ बैठकर हमारे साथ। इतना तो जल्दी हम पानी नहीं पीते जितना जल्दी ये शराब पी रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात बताइए मैडम, हम तो ठहरे शराबी और हमने सुना था कि आप तो पीती नहीं है। हाँ लेकिन पुष्पा जी ने हमको बताया था कि करिश्मा मैडम कभी कभी पी लेती है। आपका खून? कभी कभी, वो तो रोज हमारा खून पीती है, क्या बताया हम आपको? गम में है ना, इसलिए हमारे हाथ में आज शराब है। क्या हम बहुत परेशान है, आज हमारा दिन बहुत खराब है, हम किसी को मुंह दिखाने आज लायक नहीं रहे हैं, सही बता रहे हैं। ए, ऐसा क्या हो गया? बर्बाद हो गए, बर्बाद। उन दोनों को छोड़ दो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तुम पियो, तुम पियो। हाँ 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 पियो।